नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखो, एक वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है ना। एडिटोरियल पेज, आइडिया पेज वाला एडिटोरियल डिस्कशन हमारा हो गया था। आइडिया पेज पे एक आर्टिकल बच रहा था, वो था इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड, वो हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आर्टिकल का टाइटल है टाइड बाई सिक्योरिटी। इसका मतलब इंडिया फ्रांस रिलेशंस में एक बड़ी काम की चीज़ है, वो है सिक्योरिटी कंसर्न्स, एक दूसरे का साथ सिक्योरिटी को लेकर के। और इसी एस्पेक्ट से कल हमने यूरोपियन सिक्योरिटी में फ्रांस के थ्रू इंडिया का रोल, ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायलेटरल रिलेशंस को। यह आर्टिकल लिखा है क्रिस्टोफ ज़ेफरलॉट जी के द्वारा। इनका ये कहना है कि जर्मनी और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर ट्रेड रिलेटेड मैटर्स की बात होती है, कि प्राइवेट कंपनियों का रोल होता है, इंडिया की कंपनियां वहां जाती हैं, वहां की कंपनियां इंडिया में आती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारा। पर जब फ्रांस के साथ रिश्तों की बात आती है ना, तब हम बहुत कुछ रोल प्ले करते हुए देखते हैं। इसमें ट्रेड का इतना रोल नहीं होता है फ्रांस वाले केस में। फ्रांस के साथ जब बात होती है तो हम सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरेस्ट पर बातचीत किया करते हैं। अब देखो, यहाँ पर सिक्योरिटी में एंगेजमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच क्यों बढ़ रही है। देखो, पहला तो ये कारण है कि फ्रांस भी जो इंडियन ओशियन रीजन में है, वो चाइना की डोमिनेंस को बैलेंस करना चाहता है। क्योंकि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पोजीशन को राइज कर रहा है 2013 से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लॉन्च करने के बाद से लेकर अभी तक, जिसमें पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, या फिर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, यहाँ पर इन्वेस्ट कर करके अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जिबोती में अपना नेवल बेस स्टार्ट किया है चाइना ने। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडियन ओशियन में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है चाइना। वहीं पर फ्रांस, जो कि एक रेजिडेंट पावर है, रेजिडेंट पावर क्यों, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा फ्रेंच सिटीजन्स या फ्रेंच कंट्रीज से एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडियन ओशियन रीजन में रहते हैं, जिनमें हम अभी देखेंगे कि मैप में जैसे रीयूनियन आइलैंड है, वहाँ पर बहुत से लोग, फ्रेंच टेरिटरी है वो, ठीक है, फ्रांस ने खाली नहीं किया है रीयूनियन आइलैंड को, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड से ही कंटिन्यू है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस यहाँ पर बहुत है, बहुत मतलब अपनी पोजीशन को बनाए रख रहा है। इंडिया है, वो भी कहीं ना कहीं चाइना की इस एमरजेंस को लेकर के कंसर्न है। फ्रांस के लगभग 2.7 स्क्वायर मिलियन किलोमीटर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडियन ओशन में। कहने का मतलब यहाँ पर फ्रांस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक्टिवली एंगेज कर रहा है पहले से। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, वो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के अपना एक स्पीच देते हैं सिडनी में 2018 में। तब उन्होंने कहा था कि चाइना जिस तरीके से अपना एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने दबदबे को, बोलो वो कहीं ना कहीं रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से घातक है। मतलब ये कि इंडियन ओशियन को लेकर के फ्रांस बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, ये बात ऑस्ट्रेलिया की विजिट में उन्होंने 2018 में हाईलाइट भी की थी। वहीं पर क्वाड की बात करें तो नो डाउट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए मिलकर के क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, पर वहीं पर फ्रांस भी है ना, वो कुछ कम रोल प्ले नहीं करता इंडियन ओशियन में। आप यहाँ पर देखोगे फ्रेंच आर्म फोर्सेस इन साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन, फजसोई, जो कि ला रीयूनियन, जो रीयूनियन आइलैंड और उसके पास में है मेयोटे, ये दोनों आइलैंड्स के ऊपर ये फ्रांस की फोर्सेस का एक सेगमेंट ऑलरेडी है, जहाँ पर आप देखोगे कि लगभग 2000 के लगभग फ्रांस के जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा साउथ इंडियन ओशन जोन की बात करें, ठीक है, इसमें भी ट्रूप्स के नंबर्स की अच्छी खासी क्वांटिटी है। और जिबूती, जो कि रेड सी वाले एरिया में लोकेटेड है, वहाँ पर भी फ्रांस के 1450 के लगभग आप कहोगे सिक्योरिटी पर्सनल या फोर्सेज से रिलेटेड इंडिविजुअल्स है वहाँ पे रहते हैं। तो कहने का मतलब फ्रांस का सीधा अपना एक रेलेवेंस है अगर हम इंडियन ओशियन में चाइना की एग्रेशन की बात करें। तो 2018 में इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोला गया जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ कॉपरेशन इन द इंडियन ओशियन रीजन, एंड एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी होता है। ये ध्यान रख लेना भाई कि जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ कॉपरेशन इन इंडियन ओशियन रीजन, ये इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, तो ये फ्रांस के साथ साइन हुआ है। इसके अलावा फ्रांस के साथ में लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हुआ है। इन दोनों एग्रीमेंट्स में क्या है कि दोनों साथ मिलकर के इंडियन ओशियन में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। दूसरा, एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटीज़ को एक दूसरे की मिलिट्रीज के लिए ओपन रखा जाएगा, जहां पर
मान लो कोई एक्सेस करना है, रिफ्यूलिंग करनी है, वो चीज़ हो सके, ठीक है। तो कहने का मतलब 2018 में ये जो एग्रीमेंट हुए, इनके बेसिस पे इंडिया फ्रांस कोलेबोरेशन इंडियन ओशन में बढ़ा है। फिर 1983 का वो समय, 1983, दैट मीन्स वो समय जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस टाइम पर तक तो देखो इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ इतने थे नहीं, पर 2021 तक के बाद, मतलब अभी की हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पर रिलेशनशिप हमारी आज एक अलग ही लेवल पे है। ऐसी बात नहीं है कि कोल्ड वॉर पीरियड में फ्रांस ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया, हमारी परिस्थितियों में हमारे खिलाफ में खड़ा था या कुछ ऐसा नहीं। जब बुरी परिस्थिति आई थी तो फ्रांस ने कभी धोखा नहीं दिया इंडिया को। इंडिया के लिए अगर रिलायबल पार्टनर्स की बात की जाए, अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो कंट्रीज को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक तो फ्रांस है, एक इसराइल है। ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया की कैसी भी सिचुएशन हो उस परिस्थिति में इंडिया को, ऐसे नहीं कि इंडिया को आड़े हाथों ले लिया, क्रिटिसाइज कर दिया, नहीं, सैंक्शंस लगा दिया, नहीं, इन्होंने इंडिया को कॉपरेट किया है। उन 2021 में वरुणा एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हमारी और फ्रांस की नेवीज पार्टिसिपेट करती है। आप देखोगे इसमें फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर ले क्लेमेनेक्यू क्लेमेनेशो ये पार्टिसिपेट करने आता है। फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब वो जहाज जिसपे प्लेन्स लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं नेवी के। वो रीयूनियन आइलैंड के आसपास में भी जॉइंट पेट्रोलिंग है, वो कंडक्ट करते हैं इंडिया और फ्रांस। तो कहने का मतलब इंडियन ओशन रीजन में फ्रांस के साथ में इंडिया की बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है, बहुत कुछ इनके बीच में कॉमन है सिक्योरिटी वाइज। कल हमने यूरोपियन यूनियन की देखी थी, आज हम इंडो पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप एंगल देखो कि फ्रांस इंडिया रिलेशन में सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में कॉर्पेट, दैट मींस कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग का है, वो भी एग्रीमेंट हो रखा है। अब आप खुद देखोगे कि फ्रांस इंडिया के नेबरहुड में नहीं है, बट उसके बावजूद भी दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरीके से पेट्रोलिंग, दैट मींस हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स और फ्रांस सिक्योरिटी पर्सनल्स मिलकर के और इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो ये क्या शो करता है कि फ्रांस पर हम कितना विश्वास करते हैं, चाहे फ्रांस से हमारे बॉर्डर शेयर नहीं करती, हमसे बहुत दूर है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर भी एंगेजमेंट हमारी बढ़ी हुई है। फ्रांस ने जब हमारे सामने क्राइसिस आए तो उस समय हमेशा हेल्पिंग हैंड रखा है हमारे लिए। जैसे जब हम रशिया पे हमारी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो ज़रूरतें हैं डिफेंस की वो हम रशिया से ज़्यादा ना करके अगर हम डाइवर्सिफाई करें तो ठीक रहेगा, तो ऐसे में यूएसए की बजाय जो एक सपोर्टिंग हैंड, या जहाँ से हमने एक कह सकते ना कि हमारी कोलैबोरेशन जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए बढ़ाई कि हम कैसे भी करके हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को बाकी कंट्रीज से फुलफिल करना चाहते हैं, केवल रशिया से नहीं, तो फ्रांस उसमें सबसे आगे खड़ा था, ठीक है। 1974 में जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, पोखरण फर्स्ट, उस समय वॉशिंगटन जैसे कंट्रीज ने, मतलब हमें, आप कहोगे कि हमें जो एनरिच यूरेनियम सप्लाई जो होती थी, कहने का मतलब यूरेनियम का वो एक मोड जिसका आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, इस 1974 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में हमें न्यूक्लियर सप्लाई बंद कर दी थी वॉशिंगटन ने, यूएसए ने। उस टाइम पर फ्रांस आया था कि भाई इंडिया के ऑपरेशंस को हम रुकने नहीं देंगे। यूएसए का क्या, ये जो तारापुर है ना आपका, ये क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें यूएसए की टेक्नोलॉजी बेसिस पे था, पर यूएसए ने बोल दिया कि बोले कि आप तो इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन तैयार करते हो, हम इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फ्रांस ने अपनी जो न्यूक्लियर सप्लाई थी वो दे करके और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से हमें 40 मिराज एयरक्राफ्ट्स खरीदने का मौका मिलता है। 1970 1980 के समय में हमने जब हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की थी तब भी हमने फ्रांस से बहुत परचेजिंग की थी। इसके अलावा फ्रांस है ना, उन प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा मानता है जिन प्रिंसिपल्स को इंडिया मानता है, जैसे कि हम बात करते हैं ना स्ट्रेटेजिक अटोनॉमी, कि भाई हम बड़ी पावर्स के साथ बैठना पसंद करते हैं पर बड़ी पावर्स हमारे ऊपर प्रेशर बनाए और हमारे डिसीजंस के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाले, वो इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। सेम चीज़ फ्रांस ने भी की हुई है। इंडिया ने नैम को
फॉलो किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमने कंटिन्यू किया कोल्ड वॉर पीरियड में, आज भी हम कहीं ना कहीं नैम वाले एक आइडिया पे तो हैं कि भाई हम किसी के भी ग्रुप में जाकर के नहीं बैठेंगे। हाँ, हमें क्या चाहिए, पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है वर्ल्ड ओवर, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर बैठ करके हमें गाइड करे, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, और फ्रांस भी इन्हीं वैल्यूज पे चलता है। तो कहने का मतलब दोनों के बीच में ये हो गया। फिर न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें तो तारापुर एपिसोड जो 1974 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हुआ वो तो है ही, उसके बाद में भी जब हमने सेकंड पोखरण टेस्ट किया 1998 में अटल जी के टाइम पे, उस टाइम पर भी आप देखोगे कि यूएसए जैसे कंट्रीज ने, यूएसए ने, जापान ने, यूरोपियन बाकी कंट्रीज ने, इन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, पर फ्रांस ने अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखा। फ्रांस ने कोई सैंक्शंस नहीं लगाए, इंडिया से रिलेशनशिप मेंटेन रहे। इवन इंडिया की विजिट पे फ्रेंच प्रेसिडेंट आते भी हैं, जैक्स ये चिराक या सिराक ये आते हैं इंडिया के विजिट पे भी। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ रहा है आज तक, ठीक है। 1998, 1974 कभी भी इंडिया ने जब अपनी खुद की इंडिपेंडेंस के लिए कुछ भी तैयारी की है तो उसमें फ्रांस ने कभी भी इंडिया का साथ नहीं छोड़ा है। तो एक रिलायबल पार्टनर है कहने का मतलब। फिर बात देखो 2005 में स्कॉर्पियन कैटेगरी की जो सबमरीन्स हैं वो हमारे यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हो हम राफेल भी परचेज कर रहे हैं, 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स हैं, वो डील हुई थी, वो आ भी चुके हैं और भी हम आगे एक्सपेंड करेंगे। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो हुआ था, ठीक है, COP21 वाला, उसके टाइम पर अनाउंसमेंट किया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दैट मींस सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंसी को बढ़ाया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी की पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाएगा, उसमें दोनों ने मिलकर के, अब फ्रेंच प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे होलांदे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने मिलकर के और इंडिया में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर ओपन किया गुरुग्राम में। वो बात अलग है कि अभी उसको उस पर इतना काम नहीं हो रहा है, पर आप देखो कि सिक्योरिटी के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांस हमारे 3 रीजनल नेटवर्क्स में पार्टिसिपेट करता है अगर हम इंडियन ओशन की बात करें। एक तो है इंडियन ओशन कमीशन जो 1986 से लेकर अभी तक फ्रांस उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसमें 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था तब से फ्रांस इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये 1995 में क्रिएट हुआ बट 2020 से फ्रांस इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के फ्रांस ट्राइलेटरल डायलॉग्स में इन्वॉल्व है, अगेन वही चाइना को काउंटर करने के लिए। ये तो क्या है, बीच में ये ऑकस वाला एग्रीमेंट हो गया था ना ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि यूके और यूएस दोनों मिलकर के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देंगे ऑस्ट्रेलिया को। अब इस एग्रीमेंट को लेकर के फ्रांस बड़ा नाराज रहा, क्यों हुआ, उसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट कर रखा था फ्रांस से कि डीजल पावर्ड सबमरीन्स है वो फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा। अब इस डील को ऑस्ट्रेलिया ने यूनिलैटरली बिना फ्रांस को कॉन्फिडेंस मिली यहीं ख़त्म कर दिया और ये ऑकस डील फाइनल कर दी। इसमें क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो सॉरी यूएस और यूके इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देंगे न्यूक्लियर पावर्ड। तो इस तरीके से फ्रांस बहुत ज़्यादा इस तरीके से नाराज़ भी हुआ था उस समय, पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ मिलकर के फ्रांस एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और मिडिल ईस्ट में भी इंडिया, फ्रांस और यूएई तीनों मिलकर के अपना एक ट्राइलेटरल, एक मिनी लेटरल एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रांस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए हमेशा से रेलेवेंस रहा है और एक रिलायबल पार्टनर रहा है। तो ये था इंडिया फ्रांस रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल। अब आप देखो एक बार मैप, अब ये मैप आप देख सकते हो। सबसे पहले तो ये करेक्शन, ये जो ऊपर वाला जो मैप है ये हमारा है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाला ये एरिया हमारा है, राइट। अब देखो इसमें रीयूनियन आइलैंड है एक, तो यहाँ पर फ्रांस, एक मेयोटे, ये जितने भी हाइलाइटेड एरियाज है ना यहाँ पर फ्रांस की पोजीशन है, मतलब फ्रांस की प्रेजेंस है। ये है इंडो, ये है पैसिफिक रीजन। तब आप नोटिस कर सकते हो कि कितने एरियाज है, सेंट पाउलो एंड एम्स्टरडेम आइलैंड्स, ठीक है, कैरग्यूलेन आइलैंड्स, क्रोजे आइलैंड्स, इसके अलावा स्कैटर्ड आइलैंड्स इन इंडियन ओशन। ये कुछ ऐसे एरियाज है जो इंडियन ओशन में लोकेटेड है।
फिर आप इधर पैसिफिक ओशन में नोटिस करोगे तो वैलिस एंड फुतुना, न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड क्लिपर्टन आइलैंड, ये सारी टेरिटरीज जो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रांस की प्रेजेंस को शो करते हैं, ठीक है। और इंडिया का आपको पता ही है कि इंडियन ओशन में बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है हमारी। तो कहने का मतलब इस वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की अग्रेशन है उसको लेकर के फ्रांस डायरेक्टली कंसर्न है, ऐसा नहीं कि दूर बैठा है, नहीं, डायरेक्टली कंसर्न है। तो ये पॉइंट्स थे, तो ये मैप आप जरूर से ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फिर एक आर्टिकल हमारा बच रहा है कि अभी क्या है, जीएसटी काउंसिल की अभी मीटिंग होती है, 50वीं मीटिंग, ठीक है। जीएसटी एक्ट के अंडर में जीएसटी काउंसिल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A के बेसिस पे एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, ठीक है। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, हॉर्स रेसिंग होती है, और जो कैसीनो के जो खेल होते हैं उन पे बोला, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी लेन देन होगा, उन पे 28% टैक्स लगाया जाएगा, जीएसटी उस पे 28% लगाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एडिटर ये बोल रहे हैं कि गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्पीड से राइज हो रही है हमारे देश में, बोला उस इंडस्ट्री के लिए बहुत खतरनाक एक झटका है, ठीक है ना। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट, दोनों सेगमेंट इंडियन इकोनॉमी में बहुत अपना रोल राइज कर रहे हैं, वहीं पर एकदम से इस तरीके से 28% टैक्स लगाना, बोला इसकी पेस को रोक देगा, इसकी स्पीड को रोक देगा। यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के सामने एक मॉरल क्वेश्चन था, क्या था कि भाई जो असेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है, क्या वो ही टैक्स रेट हमें इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आपने लग्जरी वाला जो टैक्स है वो स्लैब इम्पोज कर दिया 28% का, पर यहाँ पर एडिटर एक बात को लेकर के अपनी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि बोला ऑनलाइन गेमिंग में एक होता है गेम ऑफ स्किल और एक होता है गेम ऑफ चांस, तो बोला दोनों को आप एक ही कंसिडर करके चल रहे हो और दोनों पे आपने 28% जो है टैक्स लगा दिया। इसका मतलब ये है कि एक तो ये हो गया कि ऑनलाइन आपने सट्टे खेले, पैसा लगा दिया और पैसे से पैसा बना रहे हो बिना कोई एफर्ट लगाए, बस वेट कर रहे हो कि कौन परफॉर्म कर रहा है, मेरा काम बन जाए। और एक होता है कि आप अपनी स्किल्स अप्लाई करते हो, आपको जो चीज़ें नॉलेज है वो अप्लाई करते हो, उससे फिर पैसा अर्न करना चाह रहे हो। तो बोला गेम ऑफ स्किल जो है उसको कम से कम टैक्स लैब में कम पे रखना था, गेम ऑफ चांस जो है वो तुक्के का काम है, उस पर भले ही चाहे 28% हो जाता। कहने का मतलब गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को सेम ट्रीटमेंट देते हुए 28% टैक्स लैब में डालना, बोले ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए घातक साबित हो सकती है। इस काउंसिल ऑफ, ये जो जीएसटी काउंसिल है, इसके द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी स्टैब्लिश किया गया, ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप ने ये सजेशन दिया था, बोला 28% टैक्स लगना चाहिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ को। पर वही चीज़ है कि 28% टैक्सेशन से प्रॉब्लम क्या होगी, आज अगर EY फिक्की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग का जो सेगमेंट है वो $79 बिलियन का था 2020 में, जो कि 2022 में $119 बिलियन का हो गया। एक्सपेक्टेड ये था कि $153 बिलियन का मार्केट हो जाएगा 2024 तक, पर ये जो टैक्सेशन लगाया गया है ये कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा इस ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के सेगमेंट को। और इसका रिजल्ट ये भी है कि कई कंपनियों के जो मार्केट वैल्यू है वो क्रैश भी कर गई है जब से जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है, ठीक है। बोले कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए भी ये खतरा साबित होगा, इन्वेस्टर भी 10 बार सोचेंगे कि यार ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और यूजर्स के लिए भी कहीं ना कहीं एक बार एक हिचक का काम हो जाएगा कि 28% टैक्स देना पड़ेगा, ₹100 पर ₹28 दे देंगे, कमाया क्या। तो इस वजह से बोले यूजर्स भी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील करेंगे। आगे बता रहे हैं राइटर कि बोले 6 साल हो गए, 2017 में आया था जीएसटी, टारगेट ये था कि वन नेशन वन टैक्स इंप्लीमेंट होगा, पर सच बात यह है कि टैक्सेशन के जो स्लैब्स हैं वो रिड्यूस ना करने की बजाय टैक्स और ज़्यादा हाई लेवल वाला टैक्स वो इम्पोज किया जा रहा है। तो बोला कहाँ पर आप ईज ऑफ डूइंग फिर प्रमोट कर रहे हो, वो बोला नहीं, पर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। नीति आयोग ने भी कहा था एक अपनी रिपोर्ट में कि लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, दैट मींस कि जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उस ऑनलाइन गेमिंग को हमें ये देखने वाली बात है कि कौन सा तो गेम ऑफ चांस है, कौन सा गेम ऑफ स्किल है, उनको आप सेम लकड़ी से नहीं आंक सकते हो, अलग अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
तो राइटर जो है, एडिटर है, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो 28% टैक्सेशन लगाना, बोले ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो ये था भाई आज के वीडियोस का जो हमारा डिस्कशन था, दो पार्ट्स में हमने कवर कर लिया है एडिटोरियल और आइडिया पेज को, और यहीं पे सेशन खत्म है। थैंक यू वेरी मच।